दोस्तों, मानव प्रवृत्ति के 18 नियम में से 12 तक का नियम हम दो वीडियो में शेयर किए हैं, जो पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 13 से लेकर 18 तक का जो नियम है, मानव प्रवृत्ति के 18 नियम में से, उसको शेयर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 13वां नियम है लक्ष्यहीनता का नियम। इस डिजिटल एज में कभी कभी लोगों को अस्थाई निराशाओं और सफलताओं से निमटने के लिए खुद से आगे बढ़ना पड़ता है। लगातार हार मिलना दिशा भटक जाने का ही कारण नहीं होता है, पर ज़्यादातर यही होता है। लघु अवधि मानसिकता से हम डर का सामना करते हैं, जो दीर्घकालिक में हमें परेशान कर सकता है। इसलिए बिना लक्ष्य का खेल बहुत खतरनाक हो सकता है। भविष्य का नज़रिया और उसकी कल्पना इस बिना मकसद के सेंस से लड़ने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है। हम इंसानों को अपने सचेत यानी कॉन्शियस फैसले पर निर्भर रहना पड़ता है। जब जिंदगी में करियर पथ और अपनी असफलताओं को संभालने की बात आती है, तो हम जो भी श्रेष्ठ कर सकते हैं वो करते हैं, पर हमारे दिमाग में हम दिशा की कमी होने का एहसास महसूस कर सकते हैं। इससे बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि सेंस ऑफ पर्पोज को बढ़ाना और इस जानकारी को दिशा देने के लिए इस्तेमाल करना, यहाँ तक कि हमारी शंका, डाउट और सफलता का भी एक उद्देश्य पर्पोज होता है। हमें मजबूत करना, इस ऊर्जा और दिशा के साथ हमारे कार्य को कमाल की ताकत मिलती है। 14वां नियम है अनुरूपता का नियम। लोग खुद का आत्मविश्वासी यानी कॉन्फिडेंट और आत्मनिर्भर होने का प्रभाव देना चाहते हैं। बुराई के डर से भीड़ की नकल करते हैं। इस ग्रुप मानसिकता से हम जितना दूर हटना चाहते हैं, उतना ही हमारी ज़िंदगी में वापसी का कोई बिंदु नहीं बचता। ऐसा करने में हम अपनी विशिष्टता खो देते हैं और बुरा महसूस करते हैं। हमारे चरित्र की एक साइड होती है जिससे हम अनजान होते हैं। वो इंसान जो हम लोगों के ग्रुप्स के बीच बन जाते हैं, इस ग्रुप सेटिंग में हम अनजाने में लोग से जो भी करते हैं या कहते हैं उसकी नकल करने लगते हैं। हम अलग सोचते और अलग भावनाओं को महसूस करते हैं। हम ज़्यादा जोखिम लेते हैं क्योंकि सभी ऐसा कर रहे हैं। हमारी सामाजिक शख्सियत हम जो हैं उसे हावी करती है। दूसरे को इतना सुनने से हम धीरे धीरे अपने अलगपन और खुद के बारे में सोचने की शक्ति को खोने लगते हैं। इसका हल है कि आत्म जागरूकता को बढ़ाए। इस समाज के साथ हम बेहतरीन बन सकते हैं, जो दूसरों के साथ फिट और कॉर्पोरेट कर सकता है, साथ ही अपनी आज़ादी और तर्क को बनाए रख सकता है। 15वां नियम है चंचलता का नियम। जब आप एक नेता की भूमिका निभाते हैं, तो कठोर इलाज के लिए खुद को तैयार रखें। हर एक गलती जो आप करेंगे, वो दूसरे किसी के लिए एक मौका होगा आगे बढ़कर आपका ताज छीन लेने। इसका हल यह है कि अपने ज़मीन से जुड़े रहें और इन हमलों का सामना करें। इस प्रक्रिया में आपके अधिकार पर सवाल किए जाएंगे और आपका स्टेटस पूछताछ का विषय बन जाएगा। इस बड़ी ताकत को संभालने वाले को लोगों की मदद करनी चाहिए। खुद को एक सही नेता दिखाने के लिए अनुभवी नेता इस कला का अभ्यास करते हैं, क्योंकि वो इसके साइड इफ़ेक्ट जानते हैं। हालांकि नेतृत्व का स्टाइल वक्त के साथ बदल गया है, एक चीज़ वही है, सत्ता में रहने वालों के लिए लोग हमेशा महत्वाकांक्षी रहते हैं। वो नेतृत्व करना चाहते हैं पर आज़ाद भी महसूस करना चाहते हैं। बिना बलिदान दिए वो सुरक्षित रहना और सफलता का मजा लेना चाहते हैं। जब आप एक ग्रुप के नेता होते हैं, तो लोग आपके लगातार उस पल उकसाते हैं जब आप कमज़ोर महसूस कर रहे होते हैं।
यह ना सोचे कि उनकी वफादारी पाने के लिए आपको क्या करना जरूरी है, क्योंकि इसका मतलब है इनके बराबर या उनका दोस्त होना। लोग आपकी क्षमता पर शक करेंगे, अपने इरादों के लिए रहस्यमयी बने और छुपी हुई निंदा से जवाब दें। अगर आपको नेतृत्व करना है तो इसका कला की महारत हासिल करें। एक बार अपने लोगों का भरोसा पा लिए तो वो आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। 16वां नियम है आक्रामकता का नियम। दुनिया को आपकी ऊर्जा की ज़रूरत है। लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं आपको बेहतर बनाने की। वो लोग अलग अलग लोगों को आगे बढ़ाने और उनके बड़े होने का दावा करके अपनी लालसाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ग्रुप के साथ डील करने के लिए एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है। अगर आप इन आक्रामक मूवीज़ के ऑब्जर्वर बने रहे तो आप तब भी खड़े रह पाएंगे जब चीज़ें आपके साथ से आपके हाथ से निकलने लगती है। आक्रामक ऊर्जा बुरी नहीं है अगर आप इसे काबू कर सकते हैं तो। अस्थायी असफलताओं के बावजूद ये आपको बांधे और हट निश्चयी रखती है। आपके आसपास के लोग ऊपर से बहुत ही सभ्य और सुशील लगते हैं, पर इस नकाब के नीचे वो बेहद चिड़चिड़ाहट का सामना कर रहे हैं। आपको लोगों की असंतुष्ट आक्रामक इच्छाइयों को देखना चाहिए। वो आपको भावनात्मक आक्रामक और सोचने न देने पर निर्भर करते हैं। उनको यह ताकत ना दें। जब बात आपके आक्रामक ऊर्जा की आए तो आप इसे काबू करना और उत्पादक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना सीखें। खुद के लिए खड़ा होना, परेशानियों पर हमला बोलना और बड़ी महत्वाकांक्षाओं को पहचानना। 17वां नियम है जनरेशन मायोपिया का नियम। जनरेशन गैप कोई झूठ नहीं है, क्योंकि हर नई पीढ़ी अपनी अलग वैल्यूज़ और एजेंडा बनाती है। वो अपने सदस्यों को बर्ताव बनाती है और उसे दुनिया पर एक ताकतवर प्रभाव डालने के लिए लगाती है। दिक्कत यह है कि फिर से हम इसे अपनी सहजता की कीमत पर कर सकते हैं। हम रचनात्मक के मामले में खुद को रोक रहे हैं बिना इन अवधारणाओं पर शक किए। आप जिस पीढ़ी में पैदा हुए हैं वो आपकी कल्पना से ज़्यादा बताती है कि आप क्या हैं। आपकी पीढ़ी खुद को पिछली पीढ़ी से अलग करना चाहती है और दुनिया के लिए एक नई धुन बनना चाहती है। आपका काम है ये समझने की कि आप कौन हैं और आप दुनिया को कैसे देखते हैं। आप वो बन सकते हैं जो वो नए ट्रेंड्स सेट करेगा जिसकी आपकी पीढ़ी को भूख है। 18वां और लास्ट नियम है डेथ डेनियल का नियम। मौत हम सब पर हंसती है और ये सच है। इसके होने की अप्रत्याशितता का पता होना सच में एक दमदार टूल है जिसे आप पा सकते हैं। ये आपका एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बनाने में मदद करता है, जिससे आप डेली के मामलों में फ्यूल मिलता है। अपने दिमाग को इसी तरीके से सोचने के लिए ट्रेन करना भी परिणाम जल्दी पाने का एक बेहतरीन तरीका है। हम में से ज़्यादातर लोग मौत के ख्याल को अनदेखा करके ज़िंदगी जीते हैं, बल्कि इसका ख्याल हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए। जिंदगी की कमी का एहसास हमारे सेंस ऑफ पर्पस से भर देता है और लक्ष्यों को इससे हमें सेंस ऑफ पर पोजीशन भी मिलती है कि इस छोटी जिंदगी में क्या असल में मायने रखता है। बहुत से लोग लगातार खुद को दूसरे से अलग करने की कोशिश करते हैं, जबकि हम सबको एक जैसा समझकर देखना चाहिए कैसे ये हम सबको बराबर करके जोड़ती है। लास्ट है निष्कर्ष लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर से प्रमुख सीखें। छोटी सोच से लड़े, जब कोई चीज गहराई तक आपके दिल में बसी है तो अपनी मानसिकता शिफ्ट करना आसान नहीं होता है। दूसरा है जो लोगों ने आपको सिखाया है उसके बावजूद धक्का देने और प्रभावित करने वालों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। आपको अपनी राय रखने से पहले दूसरों की राय की इज्जत करनी चाहिए, ऐसा ना दिखाए कि आप सब जानते हैं। हालांकि हम खुद को बेकार और टिप्स मानने से रोकते हैं, पर यह पूरी तरह से मेरिट पर आधारित है। आप अपनी बैरिंग को जाने बिना अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं,
ये एक सीधी सी प्रक्रिया है जो आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ने और अनुमानित खतरों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर किताब की समीक्षा। रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर ह्यूमन बिहेवियर का एक मनोरम एक्सप्रेशन है जो हमारे कार्यों और इंटरप्शंस को आकार देने वाली छिपी हुई शक्तियों को प्रकट करता है। ग्रीन मानव प्रकृति की जटिलताओं कॉम्प्लेक्शन को दूर करने के लिए ऐतिहासिक उदाहरणों मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और व्यवहारिक सलाह को जोड़ते हैं। सोशल डायनेमिक की पावर स्ट्रेटजी और मानव मनोविज्ञान की पेचीदगिरियों का उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण रिश्तों को नेगेटिव करने प्रेरणाओं को समझने और आत्म जागरूकता को बढ़ाने के बारे में मूल्यवान सबक प्रदान करता है। समृद्ध कहानी और विचरोसत के साथ मानव व्यवहार को नियंत्रण करने वाले कानूनों में महारत हासिल करने के लिए एक कंपेलिंग केस प्रस्तुत करते हैं। यह किताब स्वयं को और दूसरों को समझने के लिए एक ज्ञानवर्धक मार्गदर्शिका है और यह रीडर्स को गहरे संबंध बनाने और व्यक्तिगत विकास प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाती है। धन्यवाद। जय हिंद।